एजेंडा को लेकर सक्रिय हुई बीजेपी, बैठक का किया आयोजन, कई नेता रहे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा बीजेपी अपने प्लान के तहत करेगी काम, मंत्रिमंडल और सरकार करेगी बेहतर काम। बीजेपी ने किया बैठक का आयोजन, कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने साधा निशाना, कहा त्रिशंकु नहीं बहुमत की सरकार बने। मंगलौर में प्रत्याशियों ने किए जीत के दावे, मंगलौर विधानसभा काजी निजामुद्दीन ने दिया बयान, कहा कांग्रेस प्रदेश में बना रही सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड। बीजेपी अब मतगणना को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राजधानी देहरादून में इसी मुद्दे पर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पार्टी समेत कई वरिष्ठ नेता रहे। इस बैठक को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जैसे ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, उसके बाद से ही कई सिटिंग विधायकों ने पार्टी में भितरघात के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा मतगणना के दौरान भी कार्यकर्ताओं से अलर्ट रहने के लिए कहा गया। का विवरण प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे, हमारे प्रभारी जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूं कि बहुत उत्साह है सब में और हम बाहरी बहुमत से इस प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। और जो मिथक था कि नहीं एक बार आती है बीजेपी, एक बार आती है कांग्रेस, वो मिथक इस समय हम तोड़ेंगे, बाहरी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। आपको क्या क्या जिम्मेदारी मिली है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को हर जिम्मेदारी मिलती है और उसको जिस पर किया जाता है वो उसका रिजल्ट देता है। का विवरण प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे, हमारे प्रभारी जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि बहुत उत्साह है सब में और हम बाहरी बहुमत से इस प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। और जो मिथक था कि नहीं एक बार आती है बीजेपी, एक बार आती है कांग्रेस, वो मिथक इस समय हम तोड़ेंगे, बाहरी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। आपको जिम्मेदारियाँ क्या क्या दी गई हैं? आपको क्या क्या जिम्मेदारी मिली है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को हर जिम्मेदारी मिलती है और उसको जिस मोर्चे पर खड़ा किया जाता है वो उसका रिजल्ट देता है। देखिए, लोगों में क्या है वो तो लोग जाने, लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ अच्छी आ रही है और हम लोग 10 तारीख को सरकार बना रहे हैं। सरकार की शिकायत करें और जो भी जाँच के बाद होगा उस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से गंभीरता के हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। सुभाष जी, अब तो रिजल्ट से पहले मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है काफी मायनों में महत्वपूर्ण मीटिंग है, कैसे देख रहे हैं सर आपसे? 10 तारीख को मतगणना होनी है और इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली और उसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में रखी गई थी, जिसमें प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सहित सभी प्रत्याशी पहुंचे थे जो इस बार चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। लेकिन इसके साथ ही 10 तारीख को किस तरीके से मतगणना के दिन सभी तैयारी पूरी करनी है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से काम करवाने है, उसको समझाना है, इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। लेकिन ये जो जानकारी है ये प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक द्वारा दी गई, लेकिन इसके अलावा एक जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है कि इस बैठक के जरिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सभी प्रत्याशियों को दिए गए थे। सभी 5-5 विधायकों को ये कहा गया है कि वो अपने आसपास की उन सीटों का चयन करें जिन सीटों पर जो जिताऊ प्रत्याशी है वो निर्दलीय प्रत्याशी हो किसी अन्य दल का हो और उस पर कहीं ना कहीं उससे बातचीत करने की कोशिश की जाए, क्योंकि सरकार बनाने के लिए यदि कोई भी
स्थिति बनती है, यदि निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है तो उन लोगों तक संपर्क आसानी से किया जा सके और जो हाईकमान है, जो बड़े नेता है, वो तमाम नेता विधायकों के साथ मिलकर उस निर्दलीय प्रत्याशी को पार्टी में शामिल कराने या फिर सरकार बनाने में सहयोग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जिस तरीके से ये बैठक आज आहूत की गई उसके बाद से कांग्रेस के घर में भी लगातार टेंशन जरूर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ये मान रही है कि जिस तरीके से जो तमाम बैठकें हो रही है सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और रमेश पोखरियाल निशंक जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं उनके पास इस चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी और जब से मतदान हुआ है उसके बाद से लेकर अभी तक वो लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ दाल का काला जरूर वो मान रहे हैं। उनका कहना है कि इसको लेकर वो अपने सभी जो प्रत्याशी उनसे बातचीत करेंगे और उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि बिल्कुल सुभाष जी साथ में बने रहिएगा इस पर। सीमा डोरा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सीमा डोरी जी, रिजल्ट नहीं आया लेकिन उससे पहले मीटिंग चल रही है, कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्या कुछ चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है मैडम? खिचड़ी नहीं सर, ये तो प्रिपरेशन होती है और होनी भी चाहिए। इतनी बड़ी सरकार बनाने हम जा रहे हैं तो उसकी सरकार बनाने से पहले जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां चल रही है। बस आपस में हम बातचीत करें कि भाई लेकिन उससे पहले मीटिंग करने की क्या आवश्यकता और भितरघात की जो आरोप और खबरें आ रही है इसका क्या है मैम? नहीं वो तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ अपने हर डिबेट में कि देखिए जिन्होंने भितरघात किया है अगर ऐसा समक्ष आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा ये बात, तो डेफिनेटली उनके ऊपर जो होगा कड़ा कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बीजेपी अनुशासित पार्टी है और किसी को बख्शने वाली नहीं है। ठीक है, हमारे साथ मैडम हमारे स्टेट हेड सुभाष गौड़ भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सीमा जी, ये तो जरूर देखा गया था कि महत्वपूर्ण बैठक की गई है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इससे पहले आप भी कहीं डिबेट में कहते हुए नजर आए, आपके जो बड़े नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष कहते हुए नजर आए कि आप लोगों की यानी कि जो प्रत्याशी थे अगर यदि भीतर घात हुआ है तो पार्टी फॉर्म में वो अपनी बात रखें और तब जाके कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक थी तो कोई भी विधायक कहता हुआ नजर नहीं आया और ना ही पार्टी फॉर्म पर इस तरीके की बातें की गई कि भीतर घात हुआ। हालांकि ये जरूर कहा गया कि 10 तारीख को जिस तरीके से मतगणना होनी है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई और दिशा निर्देश दिए गए। तो क्या लगता है जो बात आपके आलाकमान या बड़े नेता कहते पार्टी फॉर्म में या उनके समक्ष ये बातें रखनी चाहिए कि भीतर घात हुआ है तो संजय गुप्ता जैसे, केदार सिंह रावत जैसे और तमाम और जो आपके विधायक थे उन्होंने पार्टी फॉर्म के सामने ये बात रखी और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहीं ना कहीं सवाल किए गए क्या इस बैठक में? जी देखिए ये चीजें जो होती हैं संगठन से जो बात करी गई उन्होंने करी और बिल्कुल उनकी बात सुनी गई और एक्शन भी लिया जाएगा अगर जहां पर सत्यता प्रमाणित हुई तो। लेकिन ये बातें इतनी ओपन बैठक में नहीं करी जाती क्योंकि किसी की अगेंस्ट जो कंप्लेन होती है तो वो भी अंदर अंदर ही रखी जाती है और उनके जो भी एक्शन होता है उसके बाद डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन ये वाली जो बैठक थी ये उस चीज से कोई लेना देना नहीं था, इसमें सिर्फ यही बात थी कि किस तरीके से जो हमने आगे सरकार बनानी उसकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए और अगर हमें निर्दलीय की या किसी और की जरूरत पड़ी तो किस तरीके से हमारी जो विचारधारा के साथ मैच करते हुए लोग हमारे साथ मिल सकेंगे। सीमा जी एक सवाल ये भी है कि ये कहा गया कि संजय तो जिस तरीके से मीडिया के समक्ष उन्होंने बात रखी तो पार्टी फॉर्म से हटकर उन्होंने काम किया और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई संगठन की तरफ से की जानी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 14 फरवरी से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये माना जा रहा है कि शायद कार्रवाई नहीं भी की जाएगी, उसकी वजह क्या है? देखिए सर अभी तो कुछ भी सच नहीं सामने आया कि जो उन्होंने कहा उसमें कितनी सत्यता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनको जो बात भी कहनी थी वो अपने लेवल पे पार्टी के संगठन से आके कहते तो ज्यादा सही होता, लेकिन जो उन्होंने रास्ता चुना था कहने का वो बिल्कुल गलत था।
कभी भी कभी परिवार में भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम लोग सड़क पे खड़े होकर नहीं बोलते, हम लोग पहले घर के मुखिया से बात करते हैं और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है। लेकिन उन्होंने मुखिया से बात ना करके या संगठन के बड़े लोगों से बात ना करके उन्होंने सीधे सोशल मीडिया में डाला, जो कि एक लास्ट प्लेटफॉर्म होता है जब कोई आपकी ना सुने तो। लेकिन उन्होंने ऐसा करना उचित समझा, लेकिन उसके अंदर भी चल रहा है कि अगर उन्होंने ऐसा करा तो क्यों करा और अगर करा तो कितनी सच्चाई है। तो ये सब चीजें जब सामने आ जाएंगी तो ही उनके ऊपर या जिनके खिलाफ करा उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सीमा डोरा जी आपका और सुभाष गौड़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि बीजेपी ने आज एक बैठक आयोजन किया था जिसे कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इस पर विपक्ष के कान भी अब खड़े हो गए हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी अपने प्लान के तहत काम करेगी। इसमें प्लान ए बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, प्लान बी के तहत बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण करेगी, प्लान सी के तहत मंत्रिमंडल और सरकार बेहतर काम करेगी। तो ये तीन प्लान है जिसको बताया है आज कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने कहा है कि अब बनने वाली सरकार प्लान के तहत ही काम करेगी। अभी भी उत्तराखंड के अंदर मतदान चल रहा है, वे सब सेना के सैनिक, हमारे फौज में काम करने वाले लोगों के वोट अभी भी आ रहे हैं और इसलिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। काउंटिंग चुनाव प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है कि चुनाव को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं, तो हम काउंटिंग को भी उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं और आज इसीलिए जवाबदार कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे हैं। काउंटिंग की बारीकियां समझाइए उनको कि किस प्रकार काउंटिंग में रहना है। अगर 8 बजे काउंटिंग चालू हो रही है तो 7 बजे वहां पर पहुंच जाना है, किस तैयारी के साथ जाना है, ये सब छोटी छोटी बातें काउंटिंग की वो हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाई है। अब ये लोग जाकर अपने विधायक अंदर काउंटिंग एजेंट का वर्कशॉप करेंगे। उत्तराखंड में रुझानों के हिसाब से बन रही त्रिशंकु सरकार पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और त्रिशंकु सरकार के लिए जनता भी सहमत नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर कोई अन्य दल के विधायक कांग्रेस को समर्थन देना चाहते हैं तो वो स्वीकार है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश में बहुमत की सरकार बना रही है। देखिए, जिस तरह का आपका सर्वे आ रहा है मैं उसको नकार नहीं रही हूँ। आपने एक तरह से यहाँ त्रिशंकु सरकार दिखाई है, आपने हंग गवर्नमेंट दिखाई है। आपका कहना है कि यहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी की नहीं आ रही है और शायद जिसकी सरकार बननी है उसको निर्दलियों का और बाकी दलों का सहारा लेना पड़े। कहीं से कहीं तक मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने इस बार मतदान मुद्दों पर किया है, आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई से आजिज आ चुकी थी यहाँ की जनता। इनके लच्छेदार भाषणों से, इनके दावे और वादों से परेशान हो चुकी है जनता, क्योंकि ये वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, बातें बहुत बड़े बड़े करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर खरा उतरना नहीं जानते। और तो और उसके बिल्कुल उलट उन्होंने जिस तरह का उत्पीड़न यहाँ बेरोजगारों का किया, मातृशक्ति के ऊपर लाठियां भांजी, किसानों को आत्महत्या को मजबूर होना पड़ा, पंडा पुरोहित समाज का तिरस्कार किया गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 10 मार्च को नतीजे आने हैं। उत्तराखंड में फिलहाल राजनीतिक दल और प्रत्याशी 10 मार्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अन्य दल के प्रत्याशी भी प्रदेश में सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका मान रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर विधानसभा प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि इस बार कांग्रेस प्रदेश में सरकार बना रही है, अगर उन्हें अन्य दलों को भी साथ मिलाना पड़े तो हर संभव प्रयास करेंगे। दस तारीख को देखते हैं जनता किसको आशीर्वाद देती है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है और ऐसा लगता है कि जो रुझान दिखाई दे रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ यहां सरकार बनाने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी के साथ एक भारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और हम निर्दलीय हों या अन्य दल कोई भी हों उन सब को साथ लेकर अपने सहयोग, हमारा उनके साथ सहयोग रहेगा,
पार्टी का, और पार्टी जहाँ ज़रूरत होगी सहयोग लेगी भी, तो सहयोगी के रूप में कांग्रेस उनको देखेगी। सबसे पहले आपका धन्यवाद। जहाँ तक 10 तारीख की रिजल्ट की बात है तो इंशाल्लाह जो है बसपा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बसपा जो है जीत बहुत अच्छी तादाद में जीत के आ रही है प्रदेश के अंदर। बसपा के बिना सरकार नहीं बनेगी किसी की। जहाँ तक कांटे की टक्कर है, सबकी टक्कर मारे से है और जीतेगी बसपा। सबकी चाहे भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो, सबकी टक्कर मारे से है। किसी की टक्कर आपस में नहीं है, हमारे से सबकी टक्कर। और इसमें जो है प्रदर्शन हमारी पार्टी बहुत और उसमें भी जीत के आएंगे, इंशाल्लाह सरकार भी बने। गदरपुर में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। बता दें कि खुदी राम स्टेडियम में आज गुरु तेग बहादुर जी के तस्वीर के समक्ष शीश नवा कर और गीत संगीत द्वारा बड़ी ही धूमधाम से प्रकाश पर्व मनाया गया। तो वहीं क्षेत्रीय विद्यालयों द्वारा उत्कृष्ट गीत संगीत का प्रदर्शन कर सभी लोगों का मनोरंजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरविंद्र सिंह विर्क ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान भुला नहीं जा सकता, साथ ही गीत संगीत में भाग लिए विद्यालयों के छात्र और छात्रा को पुरस्कृत भी किया गया। और बार उन्हीं लक्ष्यों को लेकर के उन्हीं बातों को आगे बढ़ाने की जो जाती है, गोविंद सिंह जी ने भारत में ही सारे सिख धर्म में भी कहीं अगर ऊंच नीच खत्म की थी, वही हमारे संघ में है। ऊंच नीच खत्म करके सब लोग हम एक ही हैं, केसधारी और सहधारी बंधु हम सब एक हैं। जानते हैं कि दुनिया में हम लोग आपस में बटे हुए हैं, जैसी भी राजनीति होती है ये पंथ के लोग खड़े, और हम लोग एक ही रहना चाहते हैं। गुरु साहब का होगा देखिए वो सार्थक भी हुआ, पहली बार नहीं हो रहा है ये कार्यक्रम, पूरा देश में होता है। और ये कार्यक्रम जो है पहले राष्ट्रीय स्तर के होते थे, पहले प्रदेश स्तर, फिर जिला स्तर, फिर अभी ग्रामीण स्तर में ये स्तर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया। समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म अपना जाति का हो, समाज को एक सूत्र पिरोने के लिए ये बहुत बड़ा, एक देश को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारे देश में जब विदेशी आक्रमणकारी आए तो उस समय हमारे देश को समाज के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, टॉर्चर हुआ। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को देखते हुए प्रवेश द्वार ऋषिकेश के साथ मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था यात्रा के दौरान दुरुस्त रहने की उम्मीद है। दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्र में अधिक वाहनों के पहुंचने से ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाती है। जगह जगह जाम की समस्या से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को जूझना पड़ता है। पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करते हुए तो दिखाई देते हैं, ऐसे में तीनों थाना क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस के आपसी सामंजस्य से चलती रहे, इसके प्रयास पुलिस मुख्यालय ने शुरू कर दिए हैं। मामले में टिहरी के SSP नवनीत भुल्लर ने भी प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया है। पहले भी क्या था, जो SP देहात यहाँ बैठते हैं देहरादून के, उनके अंडर में तीनों थानों की ट्रैफिक व्यवस्था की थी, इस बार भी उसका कोई रास्ता निकालेंगे और चारधाम यात्रा पूरी तरह स्मूथली चलाई जाएगी, इसमें कोई पूरी तरह से तैयारी कर लेंगे। इस बार यात्रा बहुत चरम पे चलेगी तो अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी तैनाती, और ऋषिकेश में खासतौर पर सर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं होगी, इसकी डिमांड स्पेशल तैनाती की जाएगी, निश्चिंत रहिए। रुद्रपुर नैनीताल रोड आहूजा धर्मशाला में विवाह समारोह में आए रामपुर के युवक की पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल जुट गई। रात शादी के समारोह में एक रामपुर का व्यक्ति था संजय नाम का, उसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई है। उसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और पूछताछ की जा रही है, और ये प्रथम दृष्टया लग रहा है जिसका मामला है, पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। पौड़ी में राजकीय पॉलिटेक्निक की गढ़वाल जोन की जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2021-2022 उमंग का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में गढ़वाल जोन की 16 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह के अवसर पर हुई बालक वर्ग की गोला फेंक प्रतियोगिता में राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र सार्थक ने पहला, राजकीय पॉलिटेक्निक वीरों खाल के छात्र शुभम शाह ने दूसरा, और राजकीय पॉलिटेक्निक जोशीमठ के छात्र अंकित चौहान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
खानपुर के मृतक लंडोरा क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई है। लक्सर में 3 मार्च की रात में कोतवाली से महज 500 मीटर दूर अज्ञात चोरों ने अन्नपूर्णा प्रोविजन स्टोर से लाखों का सामान चोरी कर फरार हो गए। दुकानदार को जैसे ही चोरी की घटना का पता चला तो उसके होश उड़ गए। वहीं दुकान के मालिक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रोविजन स्टोर के आसपास लगे कैमरे को खंगालते हुए मामले में छानबीन शुरू की है। पुलिस ने मात्र 48 घंटे में चोरी की घटना में शामिल 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार चोरों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। अन्नपूर्णा जो प्रोविजन स्टोर है वहाँ से रात को चोरी हुई थी। इस संबंध में जो इसके जो मालिक थे रामकुमार गुप्ता जी, पुलिस को एक शिकायत दी गई थी, जिसने जो वहाँ के संबंधित चौकी ग्रुप रही हैं उनके द्वारा इसको तुरंत पंजीकृत कराया गया था। इसमें सीओ उनकी टीम के द्वारा लगातार वर्क करते हुए 48 घंटे के अंदर इस पूरी घटना का खुलासा किया गया। ये क्योंकि थोड़ा सा मामला इस था, क्योंकि बाजार क्षेत्र के अंदर से चोरी की गई थी। उधम सिंह नगर के सितारगंज से किच्छा जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही चीख पुकार के कारण अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार बस पलटने के कारण लगभग 1 दर्जन यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और आसपास के लोगों ने यात्रियों को बाहर निकाला, जबकि बस के ड्राइवर और कंडक्टर भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने घायलों से अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो सितारगंज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि ये सड़क दुर्घटना हुई जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यात्रियों से भरी ये बस पलट गई थी। सितारगंज की तस्वीरें जहां पर पलटी हुई बस आप देख सकते हैं, इसमें 1 दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में कुछ लगभग 1 दर्जन चोटिल पहुंचे हैं और बताया जाता है कि ये बस सितारगंज से किच्छा जा रही थी और किच्छा रोड पे संभवतः वाहन चालक गति से अपना नियंत्रण खो बैठे, ऐसा बताया गया, जिस कारण से जो वाहन है वो अनियंत्रित होकर पलट गया और जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग चोटिल हो गए और उसमें जो चोटिल हैं हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में पहुंच रहे हैं, जिनका की प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और 1-2 गंभीर रूप से भी घायल है, उनको सेंटर बेहतर उपचार के लिए संदर्भित किया। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में अब मात्र 2 महीने का समय शेष रह गया है, लेकिन केदारनाथ धाम में अभी भी बर्फबारी जारी है। केदारनाथ धाम पूरी तरह चारों ओर से बर्फ से घिरा हुआ है। केदारनाथ धाम में सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही है। केदारनाथ धाम में बहने वाली मंदाकिनी नदी भी बर्फ के बीच दिखाई नहीं दे रही। नदी के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। बता दें कि आने वाले 6 मई को आम भक्तों के लिए बाबा केदार के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर से भी यात्रा तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन बाबा के धाम में अभी बर्फ का पहरा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।